चलिए अब बृहस्पति ग्रह के बारे में जाते हैं। क्या कोई बृहस्पति ग्रह का कोई उपग्रह है? ये मेरा क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गयानी मीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। यानी इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानी मीड। आइए शनि ग्रह के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि शनि ग्रह का कोई उपग्रह है तो बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। यह आकाश के पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यानी इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा। आगे देखिए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटाइन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में दूध के बराबर है, बुध के बराबर। टाइटाइन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोली शास्त्री क्रिश्चियन हाई जोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो गाइस ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आइए चलिए अरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्सेल द्वारा की गई। इसके चार ओर 9 वलय में 5 वलयों का नाम अल्फा ए, बीटा बी, गामा वाई और डेल्टा यानी त्रिकोण एवं इप्सिलान है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणवार्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रहों की पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की इतना झुका है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। तो गाइस ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अरुण ग्रह की खोज कब हुई और किसने की, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की। नई खगोली व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। तो गाइस जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।